Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we have the revised syllabus of class 9th and 10th of science. So first one, we have the revised syllabus of 9th. जो 9th का जो syllabus है वो 7 themes के अंदर divide किया गया है. जो first one, we have food, material, the world of the living, how things work, moving things, people and ideas, natural phenomena and natural resources. So जो आपका सिलेबस है, सिलेबस से टॉपिक हटाए गए हैं, बट जो चैप्टर्स वगैरह हैं वो सारे के सारे वही हैं, ठीक है. उसके बाद आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि जो एनुअल एग्जामिनेशन होगा वो एंटायर सिलेबस पे होगा. एनुअल एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 80 मार्क्स, 80 मार्क्स का होगा, और जो वेटेज है वो 20 मार्क्स की रहेगी. इंटरनल असेसमेंट के बेसिस के ऊपर ही आपके 20 मार्क्स लगेंगे. जो इंटरनल असेसमेंट है उसको 4 अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन, वी हैव पीरियोडिक असेसमेंट. तो पीरियोडिक असेसमेंट के अंदर हमारे पास 10 मार्क्स हैं, जो आपके ओरल टेस्ट, शोर टेस्ट, यूनिट टेस्ट जो और जो एफएज वगैरह होते हैं, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, उनके बेसिस पर लगेंगे. उसके बाद जो 5 नंबर हैं वो सब्जेक्टिव इनरिचमेंट प्रैक्टिकल के बेसिस के ऊपर लगेंगे, और 5 नंबर आपके पोर्टफोलियो के लिए होंगे, ठीक है. सो इस तरीके से आपके टोटल 20 मार्क्स हो जाएंगे. 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा जो एनुअल एग्जाम होगा. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो यूनिट्स वगैरह हैं, जैसे मैटर है वो 27 मार्क्स की होगी, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड विल बी 26 मार्क्स, एंड मोशन, फोर्स एंड वर्क विल बी 27. सो बेसिकली केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री के रिगार्डिंग है ये मैटर एंड इट्स नेचर ऑफ बिहेवियर, तो ये 27 मार्क्स का होगा. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन द लिविंग वर्ल्ड विच इज मेनली बायोलॉजी विच इज ऑफ 26 मार्क्स, एंड फिजिक्स विल बी ऑफ 27 मार्क्स. टोटल आपके 80 हो गए. इंटरनल असेसमेंट जो मैंने आपको अभी बताया था वो 20 मार्क्स के हो गए. ग्रैंड टोटल आपका 100 हो गया. उसके बाद जो आपकी फर्स्ट यूनिट है मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर, उसके अंदर नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकल नेचर और उनकी जो बेसिक यूनिट होती है वो, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम आएंगे. तो नेचर ऑफ मैटर में आपके हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, हेटरोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन. तो ये आपके सेकंड चैप्टर के अंदर हैं सारे के सारे. पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, एटमिक एंड मॉलिकुलर मासेज, मोल कंसेप्ट, रिलेशनशिप ऑफ मोल टू मास ऑफ पार्टिकल एंड नंबर, ये आपके चैप्टर 3 में से हैं और ये आपके चैप्टर 4 में से हैं. चैप्टर 1 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके अंदर हो जाएगा, यानी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इंक्लूड करके नेचर ऑफ मैटर बना है. चैप्टर 3 से आपका पार्टिकल नेचर बनेगा और चैप्टर 4 से जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनेगा. उसके बाद हमारे पास बायोलॉजी है, दैट इज द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग. तो इसके अंदर सेल से आपके सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं. उसके बाद हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में है, जो कुछ जिसमें से हैं क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल एट्सेट्रा. फिर टिश्यूज के बारे में है, जिसमें आपको एनिमल और प्लांट टिश्यूज की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ना है. मेरिस्टमेटिक टिश्यूज कौन से होते हैं, परमानेंट टिश्यूज कौन से होते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है. उसके बाद हेल्थ एंड डिजीज के बारे में है, तो हेल्थ एंड इट्स फेल्योर, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कौन से होते हैं, कौन कौन से डिजीज हैं जो वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से होते हैं, और उनका क्या क्या प्रिवेंशन होते हैं, तो ये सब आएगा. और यदि हम बात करें फिजिक्स की, तो उसमें यूनिट 3 मोशन, फोर्स एंड वर्क है हमारे पास. तो मोशन में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगी. फोर्स एंड न्यूटन लॉस ऑफ मोशन के अंदर फोर्स एंड मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन, फोर्स, इनर्शिया, इनर्शिया एंड मास, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इन सब की वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं फोर्स एंड न्यूटन्स लॉस के. और ग्रेविटेशन कल हमारा कंप्लीट हो गया था, तो कल उसकी वीडियो डाल दी गई थी. ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट एंड फ्री फॉल के बारे में है. तो ये सारी की सारी मैं करवा चुका हूँ पहले ही.
वर्क एनर्जी और पावर ये टॉपिक रहता है। साउंड जो आपका चैप्टर था वो नहीं आएगा, बट मैं आपको वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। हम कंप्लीट सिलेबस लेके चलेंगे। वर्क डन बाय ए फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बाकी बाद में हमारे पास फोर है, थीम फोर जो थी एनवायरमेंट बेसिस के ऊपर, फिजिकल रिसोर्सेज के बारे में, एयर, वाटर, एयर फॉर रेस्पिरेशन, कम्बशन, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, होल्स इन द ओजोन लेयर एंड प्रोबेबल डैमेजेस, बायो जियो केमिकल साइकिल, जैसे वाटर साइकिल हो गया, ऑक्सीजन साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल हो गया, और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में है, ठीक है। उसके बाद ये आपके कुछ प्रैक्टिकल्स की लिस्ट है, ट्रू सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट और शुगर एंड अलम, सस्पेंशन ऑफ सोयल चौक पाउडर एंड फाइन सैंड इन वाटर, इकोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च इन वाटर, एग, एल्बुमिन, मिल्क इन वाटर, डिस्टिंक्स बिटवीन दोज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फिल्ट्रेशन, कि इनमें से कौन सा फिल्टर पेपर से पास हो जाता है, कौन सा नहीं होता है, कौन सा स्टेबल होता है, कौन सा स्टेबल नहीं होता है, एक मिक्सचर प्रिपेयर करना, एक कंपाउंड प्रिपेयर करना, आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर यूज करके, अपियरेंस कैसी होगी, होमोजेनिटी होगी या हेट्रोजेनिटी होगी, बिहेवियर टुवार्ड ए मैग्नेट, बिहेवियर टुवार्ड कार्बन डाइसल्फाइड एज ए सॉल्यूशन, एज ए सॉल्वेंट, सॉरी, इफेक्ट ऑफ हीट। सो दीज आर द प्रैक्टिकल्स। ये आपके टोटल 7 प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है। तो सॉरी, 8 प्रैक्टिकल्स हैं। तो आप ये प्रैक्टिकल्स आपके करवाए जाएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिकल बेसिस पर जैसा कि आपको पता है कि आपके 5 मार्क्स होंगे, ठीक है। उसके बाद यदि हम 10th के सिलेबस की बात करें तो ये आपको 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन विल बी 26 मार्क्स, केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, वर्ल्ड ऑफ लिविंग 23 मार्क्स, नेचुरल फिलोमिना 12 मार्क्स, इफेक्ट ऑफ करंट 14 मार्क्स, एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ 5 मार्क्स। टोटल 80 मार्क्स हो जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट के आपके 20 मार्क्स हैं, तो ग्रैंड टोटल आपका 100 हो जाएगा। तो फर्स्ट थीम है हमारी, दैट इज मेटेरियल। तो यूनिट वन, केमिकल सब्सटेंस, नेचर और केमिकल रिएक्शंस आएंगी। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन सी होती हैं, केमिकल इक्वेशन कौन सी होती हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती कौन सी हैं, तो ये सारी हैं। उसके बाद एसिड बेस एंड साल्ट के अंदर आपका एच और ओ एच आयन के रिस्पेक्ट में एसिड और बेस की डेफिनेशन हो गई, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज, यूजेस, पीएच स्केल क्या होता है, और जो हम डेली यूज में कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का प्रयोग करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो कैसे बनते हैं और वो कैसे यूज के अंदर लाए जाते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद है मेटल एंड नॉन मेटल। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। कार्बन कंपाउंड्स के अंदर आपका कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स आएगी, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज, यानी कि इससे आपकी जो रिएक्शंस वगैरह हैं वो हटा दी गई हैं, जैसे एल्कीन के अंदर वाटर डालेंगे तब क्या होगा, तो रिएक्शंस हैं वो नहीं है हमारे पास अभी। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसके अंदर नीड ऑफ क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, अर्लियर अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज डन बाय डोबर्नर, न्यूलैंड्स एंड मेंडलीव, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में है, क्या ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, वैलेंसी, एटमिक नंबर, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक करेक्टर्स और प्रॉपर्टीज, यानी कि वैलेंसी कैसी होती है मेटल्स की, नॉन मेटल्स की कैसी होगी, एटमिक नंबर के बारे में, एटमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, मेटलिक और नॉन मेटलिक करेक्टर, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो कैसा होगा, यानी कि कैसे चेंज होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इसके बारे में आपको लर्न करना है। जो सेकेंड थीम है हमारी, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, तो इसमें हमारे पास लाइफ प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट वन लिविंग बीइंग, न्यूट्रिशन का कंसेप्ट है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर, रिप्रोडक्शन का है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
methods of family planning, safe sex versus HIV or AIDS, child bearing and women's health. इसके बारे में आपको ये टॉपिक्स हैं, ये आपको अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे रिप्रोडक्शन के अंदर. हेरिडिटी, हेरिडिटी में मेंडल का जो कंट्रीब्यूशन था वो क्या था, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस क्या थे, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो उसके बारे में है. उसके बाद हमारे पास नेचुरल फिनोमेना के रिगार्डिंग है, रिफ्लेक्शन, कर्व्ड सर्फेसिस, स्फेरिकल मिरर्स के सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में है, स्फेरिकल लेंसेज के से जो जो केसेस बनते हैं, टोटल 8 केसेस बनते हैं कन्वेक्स और कनकेव लेंस के, ऐसे ही टोटल 8 केसेस बनते हैं कन्वेक्स और कनकेव मिरर के, तो वो आपको लर्न करने हैं. मैग्निफिकेशन के बारे में है, पावर ऑफ लेंस के बारे में है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्केटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ. उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट थीम है फोर्थ वन, द इफेक्ट ऑफ करंट. तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानना आपको, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, किन किन फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, डेली लाइफ में हम कौन सा यूज करते हैं, हीटिंग इफेक्ट क्या होते हैं, और पावर वी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आई, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, उसके अंदर क्या क्या रिलेशन होते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. उसके अंदर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो है फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इसमें से जनरेटर नहीं है, सो जनरेटर शायद नहीं आएगा, बट वी विल डू दैट. आफ्टर दैट वी हैव द नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज में आपका इन्वायरमेंट के बारे में है, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लेशन, वेस्ट प्रोडक्शन, उनके सॉल्यूशन है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं. उसी के बाद ये तो हमारा 80 मार्क्स का था, जो इंटरनल असेसमेंट है सेम 20 मार्क्स का है, तो जो 10 मार्क्स हैं वो आपके ओरल टेस्ट वगैरह के बेसिस के ऊपर होंगे, ठीक है, और जो 5 मार्क्स हैं वो प्रैक्टिकल के होंगे और 5 आपके पोर्टफोलियो के होंगे. उसके बाद हमारे पास प्रैक्टिकल्स हैं कुछ, सो वी हैव द लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट वन, एसिड और बेस की रिएक्शन करनी है लिटमस सॉल्यूशन के बेस पे, जिंक मेटल के बेस पे, सोडियम कार्बोनेट के बेसिस पे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस से इनको क्लासिफाई करना है. वाटर ऑन क्विक लाइम, एक्शन ऑफ हीट ऑन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, आयरन एल कैप्टिन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करेंगे तब कैसा होगा. तो इनको आपको कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या करना है, क्लासिफाई करना है. उसके बाद जिंक, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम का बिहेवियर चेक करना है उनके सॉल्यूशंस के अंदर. जिंक का जिंक सल्फेट में चेक करेंगे, आयरन का आयरन सल्फेट में, कॉपर का क्यूप्रस सल्फेट के, और एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम सल्फेट में चेक करेंगे. उसके बाद उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में लिखना है. उसके बाद है हमारे पास है ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट है वो किस प्रकार रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, और हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है वी और आई के बीच में, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट के बीच में. उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो ये प्रूव करना है हमें. डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट इमेज, ये एक्सपेरिमेंट हो जाएगा. फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस की. नेक्स्ट है हमारे पास ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, और हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस मीजर करके रिजल्ट इंटरप्रेट करना है. उसके बाद नेक्स्ट है बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, बडिंग इन ईस्ट, हाइड्रा, उनकी स्लाइड वगैरह प्रिपेयर करनी और चेक करना है. ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म से जो डिस्पर्सन होता है वो कैसे होता है वो चेक करना है. सो यही है हमारे पास
जैसे मैंने आपको इंटरनल असेसमेंट के बारे में बताया था, पीरियोडिक असेसमेंट के 10 मार्क्स हो जाएंगे, यानी कि आपके जो यूनिट टेस्ट हुए हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट वाले एफएस जो होते हैं, और जो ओरल टेस्ट होते हैं उनके बेसिस पर आपके मार्क्स लगेंगे। सब्जेक्ट इनरिचमेंट यानी कि प्रैक्टिकल वर्क के लिए आपके 5 मार्क्स होंगे और पोर्टफोलियो के लिए 5 मार्क्स होंगे। सो यदि मेरी वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड कीप सपोर्टिंग। Every single day, I'm gonna make